सो गाइस फाइनली डंकर हम पहुंच चुके हैं और मॉनेस्ट्री की ओर जा रहे हैं। यहाँ से बड़ी माथापच्ची करके हमें गाड़ी की पार्किंग मिली है और हमने फाइनली गाड़ी यहाँ पे पार्क करी है। और भाई यहाँ से देखो नज़ारा नीचे का, पूरा डंकर विलेज और ये ज़्यादा रास्ता आगे मॉनेस्ट्री की ओर। तो चल पड़ते हैं लेके आपको मॉनेस्ट्री की तरफ और दिखाते हैं कुछ मॉनेस्ट्री के ड्रोन शॉट्स अगर परमिशन मिली उड़ाने की। तो गाइस दिस इज़ द ट्रैक फॉर द मॉनेस्ट्री और भाई स्लोली स्लोली चले जा रहे हैं ऊपर की ओर। स्टीप है और वहाँ टॉप पे है मॉनेस्ट्री। तो वहाँ गाड़ी पार्क करके यहाँ पे ऊपर तक हम आ चुके हैं। बहुत ही स्टीप चढ़ाई बट बहुत ही बेहतरीन नज़ारे, बहुत प्यारा इस तरह का ब्यूटीफुल से स्टेयर्स है ऑफ रोड क्रॉस करने के बाद और हवा बहुत तेज़ चल रही है। जो नज़ारे हैं दिख रहे होंगे पीछे मेरे, काफ़ी ऊपर हम आ चुके हैं। थोड़ा सा ऊपर और जाना है हमें, देन मॉनेस्ट्री का जो पूरा लुक होगा, जो पूरा वैली का व्यू होगा वो दिखाया जाएगा आपको। टिल द टाइम आप ये स्टेयर्स और जो नज़ारे हैं आसपास के इनको एंजॉय करो। ताबों में शायद मतलब यहाँ पे भी, यहाँ पे इस मॉनेस्ट्री के उससे मतलब वो बाउंड्री उसका नहीं है, दूर से उड़ा के दूर से आता है कि इसका ना पीछे स्पॉट था एक पार्ले वाले स्पॉट से। हाँ वहाँ अभी जाते हैं उड़ाओ। सो गाइस सॉरी बैड न्यूज़, जैसा भाई बताया भाई उन्हें कि ड्रोन उड़ाना अलाउड नहीं है यहाँ से, बट स्टिल एक स्पॉट है बीच में। सो हम ट्राई करेंगे कि वहाँ से उड़ा के कुछ ड्रोन शॉट्स आपको दिखाए जाए। बाकी यार अभी यहाँ बहुत हाइट पे आ गए हैं, ये देखो नज़ारा एक बार कंप्लीट क्रेजी रूप से साथ में। और भाई चल रहे हैं अगेन अगेन आगे की ओर। सो गाइस फाइनली मॉनेस्ट्री के एक टॉप पे आ चुके हैं यार और बहुत ही प्यारा स्पॉट है फॉर फ़ोटोज़ लेनी हो, शॉट्स लेने हो। ड्रोन तो अलाउड नहीं है उड़ाना, सो ड्रोन की बात नहीं बोल सकते, बट बहुत ही ब्यूटीफुल सा प्लेस है। बहुत टॉप पे है अपन, सारा टंकर जो विलेज है सब नीचे है, सबको नीचे ऑन टॉप बने हुए हैं। और बाकी भाई लोग कुछ ले रहे हैं स्वाद यहाँ पे DSLR ये पॉइंट बनाए हुए ना इन्होंने, ये मेडिटेशन के लिए बनाए हुए है ना, यहाँ जैसे आके मेडिटेशन आराम से अंदर बंद है दरवाजा। रीटेक टेक नंबर 3 गाइस, गेट टेक नंबर 3 भी कैंसिल हो चुका है अगेन डेविड भाई। टेक नंबर 4 स्टार्ट। सो गाइस टाइम चेंज हो गया है, बंदे चेंज हो गए हैं, टेक नंबर 3 था ये, सॉरी मैंने थोड़ा लेट बताया आपको। देखते हैं परफेक्ट टेक फिल्म्स बाय डेविड द्वारा ले पाते हैं नहीं। ओके टेक है भाई साहब, एक शॉट और ले लो, तो ऐसे के बाद ही ले लो, एक शॉट ले लो कंप्लीट। गाइस अगेन इस टाइम टेक नंबर 4, अगर मैं डायरेक्टर होता तो शायद मैं इनको मेरी फिल्म में कास्ट नहीं करता, बट ये मेरे भाई हैं सो नो अदर ऑप्शंस। टेक 5 एक्शन। दोस्तों स्टोरी चल रही है, एक परफेक्ट शॉट के लिए कैसे कैसे स्टोरीज क्रिएट करनी पड़ती है वो चीज़ चल रही है। तो भाई ने पूरा समझा दिया है और पीछे हमारे कैमरामैन, देखते हैं परफेक्ट शॉट आता है या नहीं। ओ माय गॉड जंप कर गए हैं भाई आगे। कट इट, ठीक है एक बार आके आता हूँ मैं दोबारा से। ये प्लग पहले करने मेरे को। गाइस अगेन परफेक्ट शॉट नहीं आ पाया है, सो इट्स टाइम टू टेक नंबर 7 फॉर हिमांशु ठाकुर। सो गाइस फाइनली उस वाले पीक को एक्सप्लोर करने के बाद, नीचे आने के बाद दोबारा इस ऑफ रोड के थ्रू हम जा रहे हैं अगेन एक और मॉनेस्ट्री या फिर एक और स्पॉट को
एक्सप्लोर करने के लिए। अब सांसें भी थोड़ी फूल रही होगी इधर बिहाइंड इट, दिखाता हूँ आपको। मैं यहाँ पे चल रहा हूँ और मैं बोल भी रहा हूँ, सो हो सकता है थोड़ा आवाज़ का। बाकी वहाँ टॉप पे जाना है हमने। फाइनली चलते चलते वहाँ पे ऊपर आ चुके हैं यार, सांसें काफ़ी फूल चुकी है मेरी तो। बाकी देखो क्या ब्यूटीफुल सा घर बना हुआ है एक, जहाँ पे चल रहा है फ़ोटोशूट, बहुत प्यारा है ये भी। प्रॉपर जो रॉ घर होते हैं उसी टाइप का, और ये विलेज। तब तक के कुछ शॉट्स यहाँ पे गिम्बल से भी लिए जाएंगे। ये आपको दिख रहा है बता नहीं, बट यहाँ पे देखो हर एक पत्थर के ऊपर कुछ डिज़ाइन, कुछ भगवान की मूर्ति या फिर जो भी स्टेट ऑफ द सिंबल है वो बनाया गया है। इवन हर एक पत्थर पे कुछ ना कुछ लिखा हुआ भी है, आई होप ये आपको विजिबल होगा। हर एक पत्थर पे कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, आई थिंक कि या तो यहाँ की प्रेयर हो सकती है या फिर कुछ और। बाकी हर एक चीज़ पे कुछ ना कुछ बनाया गया है। देट वॉज समथिंग डिफरेंट। मैं बस कल खड़ा था यहाँ पे, शूट आउट अभी चल रहा है हम लोगों का, सो मेरी नज़र पड़ी यहाँ पे, मैंने देखा तो मैं क्यों ना ये चीज़ भी आप लोगों से शेयर की जा सके। सो गाइस डन विथ ऑल दी फोटो शॉट सेशंस, और भाई काफ़ी शॉट्स यहाँ पे ले लिए हैं, काफ़ी अच्छी फ्रेमिंग थी। एड ऑन करूँगा मैं यहाँ पे आपके लिए, बट वो पिक होगी सो आप देख सकते हैं उसको। बाकी बहुत ही प्यारा एक रॉ बट बहुत ही ब्यूटीफुल सा कैप्चर था, बहुत ही ब्यूटीफुल सी सिनेरियो थी। बाकी बताएंगे डेविड भाई इसके बारे में और। तो डेविड भाई ओवर टू यू। तो यहाँ पे हमें कुछ अच्छी फ्रेम दिखी तो हमने फोटोज निकाली हैं, आपको एक बार दिखा देते हैं। सामने जो है डोर बहुत ही विंटेज वाला फील दे रहा था, तो हमने कुछ फोटोज निकाले हैं यहाँ पे, तो एक बार अंकित भाई दिखा देंगे आप सब लोग को। चलो फिर ठीक है, कोई बात नहीं आना। एक्चुअली मेरे फ़ोन की बैटरी लो हो गई है तो अब मैं GoPro के साथ शूट कर रहा हूँ अंकित भाई के, क्योंकि मैं उनसे जलता हूँ तो मैंने उनसे छीन लिया ताकि उनका व्लॉग मेरे से ज़्यादा अच्छा ना बने। क्यों अंकित भाई? लेकिन ये भी एक पार्ट मेरे व्लॉग का ही है, क्योंकि ये डेटा मैं दूंगा नहीं इनको, तो बढ़िया है मेरा काम ठीक है। इसको अभी डिलीट कर दिया जाएगा शूट होने के बाद ही। अगर ये व्लॉग में आ गया मैं तो समझ लीजिएगा कि सौदा हो गया था, दे दिया बंदे ने। ठीक है यो, चलिए। सो गाइस फाइनली चलते चलते ऊपर आ चुके हैं यार, और विलेज का जो रॉ लुक है जाते हुए ऐड करूँगा, ताकि बहुत ठंडी हवा है। और ये हम मॉनेस्ट्री के यहाँ पे अंदर एंटर हुए हैं, बहुत ही रॉ पूरा लकड़ी का बना हुआ है, कुछ काम भी चल रहे हैं, बट जो व्यू है वो बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर स्टार्ट हो गया। तो फाइनली हम घर पे पहुँच चुके हैं, अंकित भाई आज मेरे यहीं रुकेंगे, मेरे गेस्ट हैं। तो ये छोटा सा मेरा किचन है, मैं यहीं पे रहता हूँ अभी थोड़े टाइम के लिए, उसके बाद चलेंगे फिर शहर की और शहर की ज़िंदगी में। सो गाइस फाइनली ऑन द पीक ऑन द टॉप, अपने ऊपर एक और है बट इतना बड़ा नहीं चढ़ जाएंगे अपने यार। यहाँ से नज़ारा है वो ज़्यादा वर्थ इट लग रहा है मेरे को। बाकी नज़ारा देखो आप एक बार, कम्प्लीटली नीचे जो विलेज है, जो टाउन है दिख रहा है, सामने स्नो पैक माउंटेन्स एज यूजुअल मेरे हमेशा से फेवरेट। बाकी भाई ये एक लास्ट टॉप बचा है, इसके ऊपर अपन चल रहे हैं, सो चलते हैं इसके ऊपर फटाफट और दिखाते हैं आपको वहाँ से भी एक प्रॉपर व्यू। सो भाई जो लास्ट पीक है वहाँ की एंट्रेंस भी कुछ हॉरर ही लग रही है मेरे को यार, प्रॉपर मड का बेस बना हुआ है, मड पे ही बना हुआ है, और कुछ ऐसी सी एंट्रेंस है, पता नहीं भाई मैं जा पाऊँगा नहीं जा पाऊँगा। बाकी ले चलते हैं, बाकी एक बार आपको भाई ये तो बहुत छोटा है, यहाँ से आएंगे भाई, पता नहीं कहाँ पे आ गए हैं भाई, समझ नहीं आ रहा, कम्प्लीटली हॉरर है यार ये। वो कौन है आपके पीछे? डेविड भाई 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 मुझे डर लग रहा है भाई, भागना होगा यहाँ से। चलो तो गाइस मॉनेस्ट्री भी अपन ने देख ली है और फाइनली दोबारा निकल चुके हैं यहाँ से। अब जो यहाँ का विलेज है वो मैं दिखाता हूँ आपको कि किस तरह का विलेज है, कैसा क्या सीन है, और लेके चलते हैं। बहुत स्टीप है ना ढलान, है डर लग रहा है मेरे को तो। बाकी देखते हैं कैसा है क्या सीन है। फाइनली सारे पीक्स चेक करने के बाद जो मॉनेस्ट्री का मेन है वहाँ की ओर जा रहे हैं। वो जो गांव थे, विलेज थे, देखे भी आपने, वो सब क्रॉस करके नीचे आ चुके हैं अपन, जहाँ पे हमारी गाड़ी पार्क हुई है, स्ट्रेट रोड के ऊपर हैं हम। बट हाँ दिस इज़ द व्यू, और यहाँ की ओर जा रहे हैं अब। सो
दिस इज़ द मेन मोनेस्ट्री जो कि देखने आते हैं या फिर हम भी आए हैं या फिर अदर टूरिस्ट प्लेस है. सो लेट्स चेक दिस आउट. अपन इसके ऊपर थे और दिस इज़ द ब्यूटीफुल थिंग यार. थोड़ा स्पाइसी रखना. और क्या मिलेगा? आपने आपने खाना थुप्पा? नहीं, आगे का ऑप्शन है फ्राइड राइस और फ्राइड राइस. फ्राइड राइस खा लूंगा, मैगी नहीं खानी मेरे को. भी थुप्पा करना, दो थुप्पा करना है, फ्राइड राइस. उत्पत्ति के प्रथम और विलय के अंतिम चल दिए हैं दोबारा की ओर. डेविड भाई भी हमारे ब्लॉग कर रहे हैं, जान देते हैं पहले उनको अपन आगे. सो जैसे डेविड भाई निकलते हैं आगे, अपन अपना स्टार्टअप करते हैं, कंटिन्यू करते हैं. स्टार्ट कर दिया है वैसे ही ऑलरेडी यार. सो ये कुछ एंट्रेंस है, बहुत ही प्यारा एंट्रेंस गेट और डंकर मॉनेस्ट्री. आई थिंक आप इसका स्क्रीनशॉट या फिर होल्ड करके यहाँ पे इसको पढ़ सकते हो उसके बारे में. और सो शूज़ स्लीपर्स यहाँ पे खोल के जल्दी अंदर की ओर. प्लीज साइलेंस योर सेल फोन्स, बट यस वी आर व्लॉगिंग सो अपन साइलेंस नहीं कर सकते हैं. यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं, आप पढ़ सकते हो. तो गाइस अपन अंदर आ चुके हैं. इंस्ट्रक्शंस मेरे पीछे लिखे हुए हैं जो कि आपने पढ़ लिए होंगे. और मॉनेस्ट्री का लुक दिखाते हैं आपको एक सिंपल सा, किस तरह की है. इस तरह से कुछ एंट्रेंस है और कम्प्लीटली मड ओल्ड बने हुए हैं ये. बहुत छोटे छोटे गेट है. भाई टिकट के लिए जाना पड़ेगा ऊपर पहले. हाँ जी भाई, टिकट लेनी पड़ेगी पहले. एंटर विदाउट टिकट, कम अप स्टेयर्स और टिकट काउंटर. टिकट का अवेलेबल सिस्टम? टिकट का है जी. हाँ ऊपर जाओ सर, ऊपर मेन मंदिर ऊपर ही है. ठीक है जी, ठीक है जी. बाद में रिटर्न में आप यहाँ घुस सकते हैं ना. ठीक है जी. सीधा सीढ़ियों ऊपर चढ़ना है? हाँ बिल्कुल सीधा, ऊपर लामा जी बैठे हुए. ठीक है जी. So Lama Ji is waiting for us. Let's meet. Let's go and meet Lama Ji. No photography allowed here. कोई ना अपना वीडियो बना रहे. Inside. तो वीडियो का क्या मतलब होता है? ठीक है, तब तो हम ये संपर्क रखेंगे. तो ये खून मर गया. तो इतने सालों हम गिराने से खुद मार के खाक गिरा दिया. अंदर का हमने जो होल पार्किंग है अंदर भूसा डाल के दिखा हुआ, तुम्हें थोड़ा याद करने डाल दिया. ओके, थोड़ा मालूम पड़ गया ना, हिंदी बोलना नहीं आते. होल नहीं, नहीं, नहीं समझ आ गया. समझ आ गया. थैंक यू. वेलकम जी. तो गाइस वहाँ पे रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं थी, अभी हम आ गए हैं गुफा की ओर. आई डोंट नो यहाँ पे फोटोग्राफी अलाउड. थैंक यू, थैंक यू. तो गाइस जितना पॉसिबल हो पाया उतना रिकॉर्ड दिखाया मैंने आपको. कुछ जगह पे शूटिंग कैमराज अलाउड नहीं थे, वहाँ पे मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया. कुछ मेडिटेशन ही रहते जहाँ पे मुझे रिकॉर्डिंग करने से अपने भाइयों ने रोक दिया. बट जितना पॉसिबल था उतना दिखा पाया मैं आपको. और हम यहाँ से एग्जिट होके यहाँ की ओर आ गए हैं. हमारा लंच जो भी अवेलेबल है, कुछ थुपका है, फ्राइड राइस है, ये सब खा रहे हैं. ये थुपका? ये थुपका? हाँ यही वाले बता रहे. कैसा है मंचूरियन? कहाँ चक्के? ये थुपका में नूडल्स नहीं होते? है ना कटी मैगी. हमने कुछ और बनाया है. चको भाई चको बताओ जरा एक बार मेरे, बताओ व्यूअर्स को
कि कैसा है ये थुप का ओके रिपोर्ट है। मैं बोल रही हूँ लैपिंग लग रही है मेरे को कुछ अलग टाइप का है डेड वे ये लड़की है इसको ही बोलते होंगे आप थुपका मैं बोल रहा हूँ। सो गाइस फ्राइड राइस और थुपका और लंच के अंदर फ्राइड राइस और थुपका खा रहे हैं और भाई जिस हिसाब से भाइयों ने खाया है उस हिसाब से भाई बता रहे हैं कि फ्राइड राइस बहुत अच्छे हैं अकॉर्डिंग थुपका। सो एक और ये चीज़ रिपीट कर रहे हैं बाकी अपन खाते हैं फ्राइड राइस तारीफ इतनी हुई कैसे फ्राइड राइस है नमक भी देना भैया फ्राइड राइस अच्छे हैं यहाँ पे। सब कुछ खा पी के वापस आ चुके हैं जहाँ अपने गाड़ी पार्क की थी और काजा नहीं जा रहे हैं काजा में बहुत ओवरलोड रश है। सो यहाँ से हम कुछ एक नया स्पॉट चूज़ किया है वहाँ पे जा रहे हैं और आई होप आज की कैंपिंग आज की टेंटिंग वहीं के लिए होगी। क्या नाम है मंशु भाई जगह का जहाँ पर जाने का कर रहे हैं? मुद विलेज इज़ द परफेक्ट नेम फॉर दैट परफेक्ट प्लेस। सो चलते हैं और जाते जाते एक बार ये जो स्नो पैक माउंटेन्स है पीक है इसका लास्ट व्यू और ड्राइवर इन द कार। सो गाइस फाइनली वी आर मूविंग टुवर्ड्स संगनम। आज का स्टे वहीं है यार और जो कैंपिंग का प्लान था जो टेंट का प्लान था वो फिर ड्रॉप करना पड़ा है। रीज़न बिहाइंड इट कि अगेन गवर्नमेंट गेस्ट हाउस रेस्ट हाउस बुक हो चुका है। सो अभी हम उसी तरफ जा रहे हैं PWD गेस्ट हाउस वो बुक हो चुका है और अभी हम उसी तरफ जा रहे हैं। सो कुछ नज़ारे दिखाएंगे बीच में आपको कुछ टाइम में शाम हो जाएगी। हेलो मां तब क्या करें उसने संगम में बोला वो भी 30 किलोमीटर है तो बुक करा दियो। हां बुक करा दियो राजस्थान से अपने बंदे ताए बोलना भाई पता जांदे पूछो भी नहीं होती क्योंकि अपनी गड्डी सत्यानाश होनी और क्या फायदा भाई तब टेंट लगा लिए कर जे किसी परड़े ओरड़े जी तुम तो तिरण तुणा नहीं वेलकम बैक टू माय चैनल यार। और जो सीन था बताया था मैंने कि PWD का हमने कुछ गवर्नमेंट का रेस्ट हाउस बुक किया है वो ड्यू टू बैड रोड कंडीशंस हमने कैंसिल कर दिया है और अभी हम सर्च कर रहे हैं कि हम काजा से पहले हैं। काजा है यहाँ से अराउंड 8 से लेकर 9 किलोमीटर बट जो सुनने में आ रहा है वो ये आ रहा है कि ओवरलोड टूरिस्ट है। सो काजा में रहने के लिए जो हम सर्च कर रहे हैं जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज़ होती है वो सारी ऑल पैक्ड है। होटल्स वगैरह भी काफ़ी पैक है बिकॉज काफ़ी रश आप भी जानते हो यार पीक सीज़न है। सो अभी बीच में ये काजा हाइट करके एक स्टे पड़ा था काफ़ी अच्छी लोकेशन के ऊपर कैंपिंग्स वगैरह हो रखी है तो बस भाई से बात करने गए थे अंदर कि भाई कुछ कैंप्स हमारे पास भी हैं बिकॉज हमने हमारा सारा सामान टेंट का स्लीपिंग बैग सब कुछ कैरी कर रखा है। सो भाई ने कुछ बात करी है कुछ स्कीम करी है अब हम यहाँ पर आए हैं। सो देखते हैं कि क्या गेम बनती है कहाँ पे स्टे करते हैं कहाँ नहीं अकॉर्डिंगली आपको बताते हैं आगे क्यों। सो गाइस फाइनली काजा के अंदर आ चुके हैं यार और जो कैंपिंग वाला सीन था वो शायद यहीं पे ही फाइनल करेंगे हम बट फर्स्ट ऑफ ऑल काजा पहुँचे हैं अभी जो भी कुछ बेस्ट चीज़ रहेगी यहाँ भी कर सकते हैं हेलीपैड पे ओके ओपन स्पेस है काफ़ी बाइकर लगे भी हैं काफ़ी लगे भी हैं बाइकर पानी। सो भाई काजा पहुँचिए बस केवल ये फाइनलाइज कर रहे हैं कि कहाँ पे हमें कौन से एरिया के अंदर कैंपिंग करनी चाहिए जहाँ पे पानी नियर बाय हो बिकॉज हर एक एरिया के अंदर रिक्वायरमेंट पानी की होती है
सो सर्च कर रहे हैं हर चीज़ का, बट फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ 5-6 किलोमीटर पहले भी हमने कुछ स्पेस देखे हैं, कुछ प्लेस देखे हैं, बट फर्स्ट ऑफ ऑल काजा पहुँच के जो भी बेसिक नीड्स हैं हमारी, दाल चावल वगैरह सब्जी वगैरह, वो सब लेंगे और देन चलेंगे यहाँ से। जहाँ भी स्टे करते हैं आपको भी साथ लेके चलेंगे, सो डोंट वरी, लेट्स एंजॉय। सो गाइस, काजा सिटी के अंदर आने के बाद पूजा जनरल स्टोर यहाँ पे रुके हैं यार, जस्ट बिकॉज जो भी जनरल थिंग्स हमें चाहिए यहाँ पे लेने के लिए वो हम ले सकें। बाकी जो ब्यूटीफुल सा वेदर है ना, हवा भी ठंडी है और बाकी वही जो पीक्स है कम्प्लीटली स्नो पैक है टिल लास्ट। तो चलते हैं फटाफट अंदर और जो भी अपनी बेसिक थिंग्स है वो लेते हैं। एग भी है यहाँ पे, तो एग भुजी, ऑमलेट, एग करी कुछ भी बन सकता है। सो जैसे सब भाई एग्री करेंगे अकॉर्डिंगली चीज़ लेंगे। सो दिस इज़ द स्टोर एंड देख लेते हैं कुछ भाई क्या क्या ले रहे हैं। भाई किलो चावल ले, किलो चावल ना, चावल तो 2 किलो ले रहा हूँ, चावल 2 किलो, चावल पकड़ने क्योंकि अंदर डाल दो। जितनी शॉपिंग जितना सामान हमने कभी इधर लिया नहीं वो सब हमारे डेविड भाई सामान ले रहे हैं। कुछ कोरियन नूडल्स वगैरह हमने लिए हैं मार्केट में, आके काफ़ी दूर है यहाँ से, आगे 100 मीटर खुद जाए। सो रॉ मटेरियल हम यहाँ से ले रहे हैं, बाकी सब्जी वगैरह के लिए 100 मीटर आगे शॉप है। सो भाई देखते हैं, बाकी है ना यार स्किन सनबर्न हो गया मेरे तो, और हाथ भी देखोगे आप तो चेहरे पे भी हो रहा है, बट कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। होट भी फटना स्टार्ट हो गए हैं, जैसे ही वेदर चेंज होता है चीज़ें चेंज होती रहती है। वही फाइनली सारा सामान जो रॉ मटेरियल था हमारा वो हमें ले लिया है यहाँ पे और बस बिलिंग करा रहे हैं, दूध वगैरह कैलाश वगैरह सब। तो गाइस फाइनली काजा की और सिटीज़ में आके सब्जियाँ देखते हुए, बिकॉज अगर आपको टेंट करना है, कैंप करना है, तो आपको सारा रॉ मटेरियल परचेस करना ही पड़ता है। सो दोनों भाई लगे बढ़े हमारे टमाटर की छानबीन के अंदर, बढ़िया जापो भाई, भाई दाग लगाओ मत लेना भाई। हेलो बंदो क्या कर रहे हो यार डेविड भाई, क्या कर रहे हो? अच्छा और तो नहीं है, यही है, कच्चे हैं लाल है सब, बाकी मैं तो हूँ कश्मीर से, शक्ल में गाली है, आवाज में घूम के आए कश्मीर, हमारी लैंग्वेज तो है। तो गाइस फटाफट सब्जी वगैरह लेते हैं यहाँ से और देन करते हैं हमारी कैंपिंग की तैयारी और लेके चलते हैं आपको अकॉर्डिंग। तो गाइस सब्जी लेने आए थे लेकिन डेविड भाई को इनकी फेवरेट चीज़ मिल गई है, तो इन्होंने 4 ले ली है, अब देख लेना अच्छा बता देना भाइयों कैसा लगता है, 4 लिए ना भाई, दिल मांगे मोर। तो गाइस फाइनली डन विद द शॉपिंग, जितना भी रॉ मटेरियल हमें चाहिए था, सब्जी वगैरह, मसाले वगैरह, राइस, दाल, सब कुछ हमने परचेस कर लिया है। एंड अगेन वी आर गोइंग टुवर्ड्स जहाँ पे हमने हमारी गाड़ी पार्क कर रखी है और जितना भी ऑर्डर था भाई ने पैक कर लिया होगा। सो अब निकल रहे हैं यहाँ से हम, देन वी हैव टू फाइंड दैट पर्टिकुलर स्पॉट जहाँ पे हम टेंट लगा के आज का हॉल्ट कर पाएंगे और जो भी रात के शाम के नज़ारे होंगे, टेंट लगाने में जो प्रोसेस होता है, जो ड्रॉबैक्स होते हैं, जो भी इश्यूज आएंगे वो आपको दिखाएंगे और करिए मज़े। तो गाइस अगेन एक शॉप पे जाके यार 2 लीटर के पानी के कैरेट और छोटे मोटे खुले अंडे, कुछ और ब्रेड वगैरह, छोटा बटर, छोटे मोटे जो भी बेसिक नीड्स होती है उन सबको कवर अप करने के लिए। बाकी भाई जा रहे हैं आगे पेटी उठा के ताकि गाड़ी में रखवा सकें और देन फटाफट चलते हैं यहाँ से कैंपिंग की और लगाते हैं टेंट टूंट अपने और दिखाते हैं आपको रात के नज़ारे। तो गाइस फाइनली घूम फिर के थक हार के अगेन हमने जो कैंपिंग का प्लान था वो आज के लिए ड्रॉप कर दिया है। रीज़न बिहाइंड इट कि किसी जानकारी के थ्रू हमें काजा के अंदर ही होटल मिल गया है और अभी हम वहीं जा रहे हैं। सो अराउंड लोकेशन के पास में ही है, 1 मिनट 300 मीटर दिखा रहा है, बट सीन ये है कि बहुत ही कंजस्टेड एरिया है और जो सिंगल लेन जहाँ पे एक टाइम पे एक कार निकलती है, हमारे सामने आ चुके हैं द बिग बिलियन ट्रैक्टर सर और इनको बैक कराना, पीछे चिपका के ले आइए गाड़ी आप सर, ठीक है, और इनको बैक कराना और देन थोड़ा स्पेस बनाना। सो आई थिंक 300 मीटर है बट अराउंड जो ट्रैफिक कंडीशन है, जाम कंडीशन है, उसके अकॉर्डिंग 5 से लेकर 10 मिनट हमें लग सकती है। सो देन स्टे हमारा यहीं पे है, टाइम से स्टे होगा, टाइम से मस्ती होगी और कैंपिंग वाला जो सीन है वो कल के ऊपर ट्रांसफर हो गया सीधा। सो यार थोड़ा सा और वेट करो क्योंकि कैंपिंग वाला जो फन होने वाला है ना वो बहुत ही धमाका होगा। फटाफट क्रॉस करते हैं यहाँ से ट्रैफिक को और निकलते हैं अपने होटल की और देन दिखाते हैं आपको अपना होटल कैसा है और आज के ब्यूटीफुल से व्लॉग को वहीं पे एंड करते हैं और फिर मिलेंगे कल आपके साथ दोबारा एक फ्रेश व्लॉग के अंदर। तो गाइस फाइनली ट्रैफिक को बैक करवा दिया है क्योंकि वी हैव द पावर ऑफ नाट 11 और भाई जहाँ नाट 11 चलता है कभी पीछे नहीं चलता, हमेशा आगे चलता है और वही हमने किया है, सबको दे के धक्का करा दिया है पीछे। और भाई देखना, हाँ जी मानशु भाई के पास ही है,
तो भाई हम कुछ राइट लेफ्ट कुछ क्या है जो माल रोड था उसके एंड पे आ चुके हैं। लेफ्ट ही घूम रही है गाड़ी, ऑटोमेटिक आगे रोड ही नहीं है। तो भाई वहाँ पे आ चुके हैं और हमारा होम स्टे इसी गली के एंड में कहीं पे है। यहाँ से भी लेफ्ट ऐसे ही, नहीं नहीं बस यही ये राइट ही होना है, ऑटोमेटिक घूम रही है। तो भाई कुछ बहुत ही डरावनी सी जगह है भाई, कहाँ आ गए हैं शायद इस गली के सबसे लास्ट वाला ही है। तो गाइस फाइनली वी आर एट अवर डेस्टिनेशन। ये जो व्हाइट वाली बिल्डिंग है यही है हमारा वेलकम होम स्टे जो कि हमें वेलकम करने वाला है। बाकी यार यहाँ पर भी वो एकदम रॉ वाला सीन है, देखो मड हाउसेस दिख रहे होंगे आपको, जस्ट सामने ही रॉ वाला सीन है। काफ़ी अंदर आ गए हैं, कुछ नई प्रॉपर्टीज़ भी बन रही है। और फिर कैसा रहा आज का एक्सपीरियंस ये सुनिए हमारे आज के होनहार ड्राइवर पायलट मिस्टर डेविड रुद्रा जी के द्वारा। आज का बहुत ही बढ़िया रहा, और हम धनकर घूमे और कहाँ घूमे, ये होम स्टे दो जगह। तो कल क्या आपको कल घुमाते हैं, लांगजा चिचिम और हिट गेम कॉमिक सारा कर लेंगे कल ही, और परसों निकल लेंगे चंद्रदार के लिए। तो भाई क्या आप ये सबके सामने प्रॉमिस कर रहे हो कल आप लोग कैंपिंग दिखाओगे, क्योंकि आज आपने धोखा दिया कैंपिंग के लिए। धोखा हमने नहीं दिया, एक्चुअली हमें फैसिलिटी मिल गई, क्योंकि अगर हमें तीन दिन रुकना पड़े कैंपिंग के लिए तो हम तीन दिन फिर नहा नहीं पाएंगे, सीन ही है। तो ऐसा है कि आज भी हम होटल में रुक लेते हैं, तो कल कैंपिंग में रुकेंगे और परसों चंद्रताल में रुक के वहीं नहा के फिर निकल लेंगे मनाली के लिए। सो गाइस होप कि कल कैंपिंग हम कर पाएंगे, बाकी भाई बोल रहे हैं कि नहा नहीं पाएंगे। वैसे यार अभी नाइक पे लग रहा हुआ आपको रेड का निशान, मुझे भी दिख रहा है अभी। सो भाई बोल रहे हैं कल नहा नहीं पाएंगे, बाकी राज की बात यह भाई आज भी नहीं नहाए हैं। सो नो इशूज, चलते हैं अपन फटाफट दिखाते हैं आपको अपना आज का स्टे और देन ब्लॉग को करेंगे दी एंड, हैप्पी एंडिंग। गाइस अगेन कहानी में ट्विस्ट यहाँ पे आ चुका है यार। एक्चुअली हमने जो होम स्टे में दिखाया था अभी आपको, हमने जो बुक किया था वो हम पूछ के आए, बट हमने किसी के थ्रू जानकारी से वो बुक किया था, और जब तक हमारा ऑर्डर आता या हमारा कंफर्मेशन यहाँ मिलता उससे पहले ही और बंदों ने आके यहाँ पे उसको पैक कर लिया और हमारा जो स्टे है वो नहीं रहा। सो अगेन नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स हेलीपैड और वहीं पे आज हम कैंपिंग वाला प्लान कर रहे हैं। सो कैंपिंग डील इज डन ऑन फायर। प्लेस ये हेलीपैड है जहाँ पे आज हम कैंपिंग करने वाले हैं। सो वी आर जस्ट लुकिंग फॉर द राइट स्पॉट, पहले बाहर उतर के देखते हैं जरा। ठीक है, बाद में नीचे पत्थर तो बाबा ऐसे ही है, लग रहा था आपको किनारे में वहां जो या फिर उससे कम है गाने पड़नी पर इससे कम है, पर हवा भी कम है यहां पे, हवा चल जाएगी एक मिनट में, हवा का तो सीन नहीं होता होगा। सो गाइस वेलकम बैक, और यार दिस इज द स्पॉट, दिस इज द हेलीपैड जहाँ पे आज हम कैंपिंग का देख रहे हैं, हमारा स्टे का देख रहे हैं। सो अभी हमने गाड़ी यहाँ पे लगाई है जस्ट केवल चेक करने के लिए कि नीचे का जो बेस है वो कैसा है। और भाई ये एरिया है कम्प्लीटली हेलीपैड, कम्प्लीटली वैली, और पूरा घुमा घुमू के बंदे हम यहाँ पे आ चुके हैं। सो मेजरली चांसेस यही है कि हम यही कैंपिंग यहीं करेंगे, दिखाते हैं आपको। बाकी अंधेरा होने वाला है, सो जितना भी एक्शन लेना है जल्दी लेना है। सो भाई लास्ट ब्लॉग जो अपने इस ब्लॉग के जो कल एंड में था, भाई वहाँ भी साथ मिल गए थे। सो ये कुछ सीन है, टाइम लैप्स दिखाऊंगा मैं आपको, टाइम लैप्स बना रहे हैं एक बार हम। बाकी ये कुछ सेटअप हो रहा है कैंपिंग का, और कैंप यहाँ पे लगा रहे हैं भाई, और सुनने में आ रहा है कि रात के अंदर माइनस में भी टेम्परेचर चल जाता है यहाँ पे। बाकी देखते हैं आज की रात कैसी होती है, यहाँ पे मज़ा आना ही है नहीं आया तो दो गाड़ियाँ हैं अपने पास, बंदे एडजस्ट हो जाने हैं। बाकी ये कुछ माहौल चल रहा है, सो फटाफट यहाँ से टेंट फिट करते हैं और देन कुछ खाना वाना बनाएंगे। सो लो लाइट होगी बिकॉज लाइट की व्यवस्था नहीं है, केवल कार की लाइट्स है, और अकॉर्डिंगली आपको लेके चलेंगे। बाकी एक बार ये कुछ व्यू है यहाँ पे, काफ़ी अच्छा दिख रहा है, और ये हमारा टाइम लैप्स चल रहा है बढ़िया था। सो लेट्स हैव फन। सो गाइस फाइनली आपने एंजॉय कर लिया होगा जो टाइम लैप्स वाला व्यू था, और अब सीन ऐसा है कि हमारे कैंप के पास में ही यहाँ बन रहा है हमारा रात का खाना बाय द शेफ मिस्टर हिमांशु ठाकुर। मेरा फोन
भाई ये बात क्या निकाला दूसरा एंड्रॉइड नहीं मैंने निकाला एंड्रॉइड पानी लो प्लेट जी नीचे गिरा ये कोई नहीं रहने दो या डाल दो अंदर ही नहीं 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 नीचे रहने दो उसको रहने दो हाँ बतेरे जानवर है हाँ जी हाँ ठीक है तो भाई दाल को भी धोया जा रहा है यार सिस्टम पूरे किए जाएंगे अंधेरा है उससे कोई मतलब नहीं है हमें पूरा काम जो होगा फुल क्या बोलते हैं उसको आपकी भाषा में शुद्ध बोलते हैं और अंग्रेजी में शायद ऑथेंटिक वही चीज़ें चल रही है बाकी भाई सिस्टम बड़ा प्यारा हो रखा है शुद्ध मतलब प्योर ऑथेंटिक और और चीज़ होती है ओ फक यू मैन ठीक है पानी छलना नहीं पड़ेगा तो भाई फाइनली सारा काम सेट हो रहा है यहाँ पे दाल इज अंडर प्रोसेस किया पानी बोतल अरे आप अरे आपके ऊपर ले नहीं रहा अभी मैं भाई थोड़ा छलना है सिस्टम अपन को वो अपन छल लेते हैं पानी के अंदर डेविड भाई के ये ऐसा कुछ नहीं ना मैंने तो काट ही दिए ठीक है एक थोड़ा सा खराब था वो काटा था लो जी भाई ढकना है भी आपने इसको हाँ एक ये लो बाकी मीतू भाई आगे बैठे हैं भाई भाई के बड़े मोटे फॉलोअर्स हैं यार भाई कुछ हमें प्रमोट भी नहीं कर रहे नहीं नहीं मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ आपको प्रमोट 100-500 फॉलोअर्स आए हमारे भी उल्टे सुबह भी जैसा नज़ारा है यार थोड़ी लाइट की रिक्वायरमेंट थी तो भाई ने अपनी गाड़ी की लाइटें ऑन करी है और यहाँ पे पूरा खाना हमारा बन रहा है यहाँ पे कुकर में दाल बन रही है अभी और जो मज़े आने आ रहे वाले हैं मज़े तो मुझे तो अभी तक मज़े आ रहे हैं और भाई फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है मेरा फुल एक्साइटमेंट है सुबह जो नज़ारे होंगे वो भी मज़ा आएगा देखने का और अभी रात की मस्ती होनी है वो भी कर रहे हैं हम सो लेट्स सी तो भाई नज़ारा कुछ ऐसा है यार कि भाई कार में फिट हो चुके हैं और हम भी यहाँ साथ में आ चुके हैं हिमांशु भाई स्टिल वर्किंग विद द प्रोसेस कुछ काम बन रहे हैं यहाँ पे डेविड भाई नंबर टू पे गए हैं और सो गाइस वेलकम बैक और अगेन हर एक स्टेप के बाद दाल वाल बन चुकी है यार और भाई ने कुछ पीनट्स काटे हैं दैट मींस कि मतलब भाई के मन में पाप है भाई कुछ पार्टी वार्टी के मूड में है बाकी यहाँ भाई बना रहे हैं हमारे एग भुज्जी और ये सब चखने के आइटम क्यों लग रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा क्योंकि देखो भाई अपन है सीधे साधे आदमी अपन इधर काम करते नहीं है सो गाइस आज के ब्यूटीफुल ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं यार हमने कैंपिंग यहाँ पे चल ली है खाना हमारा ऑलमोस्ट बन चुका है अब जो होगा मज़ा वो सिर्फ हुआ ही खाना पीना बातें अपनी मस्ती पार्टी वाला माहौल हुआ है सो एक बार मैं आपको फाइनल और दिखा देता हूँ क्या क्या सेटअप है ये हमारी गाड़ी इसमें हम आए हुए हैं ये मिट्टू भाई की गाड़ी है भाई इस तरह आए हुए थे तो भाई ने अपना सिस्टम अंदर लगा रखा है हमारा सिस्टम टेंट के लिए है और ये एक फाइनल सेटअप जहाँ पर हमारा सारा सिस्टम सेट हो चुके हैं तो आज के ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं और अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ यार लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब सब कुछ कर देना बिकॉज़